हेलो एंड वेलकम बैक टू वाणिज्य एजुकेटर। मैं मुस्कान चौरसिया और आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एंड रिजर्व्स अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। लास्ट लेक्चर्स अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो लेक्चर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में गिवन है, आप जाके चेक कर सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट करें हम चलते हैं सीधा अपने टॉपिक पर। एक्युमुलेटेड का मीनिंग होता है कलेक्टिव। अब हमारी फर्म क्या है, रिकॉन्स्टिट्यूट होने वाली है। रिकॉन्स्टिट्यूट का मतलब क्या है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे जो पार्टनर्स हैं वो चेंज करेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी लेकिन हमारा जो बिजनेस है वो एज इट इज चलेगा। अब अगर हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने के बाद प्रॉफिट्स और रिजर्व्स को बांटते तो वो गलत हो जाएगा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि पहले हमारी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी वो डिफरेंट थी। तो हम लोग क्या करेंगे, रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले जितने भी हमारे पास कलेक्ट करे हुए रिजर्व्स पड़े हुए हैं, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस पड़े हुए हैं, हम उसको पहले ही बांट लेंगे अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। तो हम देखते हैं, एक इलस्ट्रेशन के थ्रू आपको समझाती हूँ कि किस तरीके से हमारे को अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना। जैसे कि बैलेंस शीट दे रखी है आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में, यानी कि बैलेंस शीट में असेट साइड अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दे रखा है तो इट मीन्स ये आपके पास क्या है, लॉस है। साथ में आपको एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दे रखा है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस की जगह आपको एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर भी दिया होगा। गुडविल दे रखी है असेट साइड आपको, और लायबिलिटी साइड जनरल रिजर्व दे रखे हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है, और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है। लायबिलिटी साइड अगर प्रॉफिट एंड लॉस दिया होगा तो यानी कि वो क्या है, प्रॉफिट है। और अगर आपको असेट साइड प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा होगा तो इट मीन्स वो क्या है, आपकी वो आपके लिए लॉस है। जितनी भी चीजें असेट साइड में होती हैं वो सारी कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में बढ़ती है, और जितनी भी चीजें आपको लायबिलिटी साइड गिवन होगी वो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में बढ़ती है। सपोज मैं मान लेती हूँ ए एंड बी जो है वो पार्टनर है, 1:1 इनकी क्या है, ओल्ड रेशियो है। अब वो न्यू रेशियो जो मर्जी करें, न्यू रेशियो वो चाहे 1:2 कर ले या 2:3 कर ले, वो हम नहीं देखते। आपको एंट्री करनी है और इस वाले टॉपिक में आपको सिर्फ और सिर्फ ओल्ड रेशियो की जरूरत है। तो सबसे पहले हम जनरल रिजर्व ले लेते हैं, तो यहाँ पे बाई जनरल रिजर्व आ जाएगा और 1:1 में बटेगा, 5000 को 1:1 में बटेंगे तो 2500 आ जाएगा। इसी तरीके से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है तो बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना दे रखा है, 10,000, अगर 1:1 में बांटेंगे तो 5,000 आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट दे रखा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वो भी 1:1 में बढ़ जाएगा, 1,000। नेक्स्ट दे रखा है हमारे को पी एंड एल का बैलेंस जो कि प्रॉफिट है, तो बाय पी एंड एल अकाउंट आ जाएगा, 3000 है तो 1500 रुपीज। इसी तरह से हमारे पास जितनी भी एसेट साइड की आइटम्स हैं बटने वाली, वो हम क्या करेंगे, अपनी डेबिट साइड बांट देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 P&L, ये हमारा लॉस है, कितने का है, 2000 का, तो 1000 ए ले लेगा, 1000 बी ले लेगा। इसी तरीके से हमारे को एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दे रखा है तो 2 एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट लिख लेंगे हम, 10,000 है तो 5000 ए के पास जाएगा, 5000 बी के पास जाएगा। गुडविल है, पुरानी गुडविल है तो हम गुडविल को भी क्या करेंगे, बांट लेंगे। तो पुरानी गुडविल जो है हमारी 8,000 की है तो 4,000 ए ले लेगा और 4,000 बी ले लेगा। इस तरीके से आपने क्या करना है, अपनी आइटम्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, यानी कि जो भी लॉसेज हैं वो आप डेबिट साइड बांट लेंगे, जितने भी आपके पास प्रॉफिट्स हैं वो आप क्रेडिट साइड बांट लेंगे। अब इसके थ्रू आप जर्नल बनाना सीखिए कि जर्नल कैसे बनेगी। ये जो है आपकी कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड है और ये वाली जो साइड है आपकी कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड है। जब मैं इन आइटम्स को लेके चलूंगी तो कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो यानी कि ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। तो यानी कि अगर आपको पी एंड एल का लॉस दे रखा है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दे रखा है, गुडविल दे रखा है, तो जर्नल में ये जो है ये क्रेडिट हो जाएंगे। और ये कितने कितने के थे, 2000 का आपका पी एंड एल अकाउंट का लॉस है, 10,000 रुपीज आपके एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट में जा रहे हैं, 8,000 की आपकी गुडविल है, और टोटल ए को कितना मिला, 1,000 + 5,000 + 4,000, 10,000 रुपीज जो है ए ने ले लिया और 10,000 का लॉस बी ने ले लिया। इस तरीके से आपकी जर्नल क्या है, बन जाएगी। नेक्स्ट है, अगर आपके पास जितनी भी लायबिलिटी साइड, जितने भी रिजर्व्स वगैरह दे रखे हैं, उसकी जर्नल कैसे बनेगी। ये कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड है, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, और ये जो आइटम्स है ये डेबिट हो जाएगी। इसी तरीके से हम ले देंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, पी एंड एल यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट,
टू बीज कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास जनरल रिजर्व जो दे रखे हैं कितने के 5000 रुपीज के, 10,000 रुपीज का आपके पास है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 2000 रुपीज का, 3000 रुपीज का है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट का बैलेंस। टोटल देखा जाए 2500 प्लस 5000 प्लस 1000 प्लस 1500, 10,000 रुपीज जो है वो ए ले रहा है, 10,000 रुपीज है वो बी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो इस तरीके से आपकी जो है जर्नल पास हो जाएगी, एकोमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस की एंट्रीज जो है वो इस तरीके से पास होंगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिजर्व्स। रिजर्व्स हमारे तीन तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व बनाया जाता है जनरल पर्पस के लिए, उसे हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया जाता है वर्कमैन्स के लिए, जैसे कि इम्प्लॉयज हो गए, हमारे वर्कर हो गए, हमारे लेबर हो गए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में या हमारे फैक्ट्री एरिया में किसी भी हमारे इम्प्लॉय को कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि वो मशीनरी के साथ काम कर रहे हैं, इंजरी हो सकती है, उन लोगों को हम क्लेम करते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स के थ्रू। ये बेसिकली बनते ही सिर्फ और सिर्फ इम्प्लॉयज के लिए, और इम्प्लॉयज को ही हम जो है कवर अप करते हैं इस रिजर्व्स के अंडर। अगर ये रिजर्व्स जो है बचे रह जाते हैं तो ये पार्टनर्स के प्रॉफिट का पार्ट होते हैं, तो हम उसे पार्टनर्स के प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसके भी आगे फोर टाइप्स हैं कि किस किस तरीके से हम उनको क्लेम जो है देते हैं, हम वो टाइप्स देखते हैं और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं। सबसे पहला है जब हमारे पास कोई भी क्लेम नहीं होगा और हमने रिजर्व्स बना के रखे हुए, रिजर्व्स है हमारे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 10,000 रुपीज का, तब हमारी एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसे कि मैंने आपको बताया जो रिजर्व्स हैं वो एक्चुअल में पार्ट किसका है, प्रॉफिट का पार्ट है, और स्पेसिफिकली वर्कमैन के लिए बने हैं। अगर वर्कमैन को क्लेम की जरूरत पड़ती है तब तो हम उन्हें क्लेम दे देंगे, अगर नहीं पड़ती, मतलब कि कोई भी इंजरी या कोई भी एक्सीडेंट नहीं है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम पार्टनर्स में इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये 10,000 रुपीज जो है वो पार्टनर्स में एज इट इज बट जाएंगे। नेक्स्ट एंट्री इन्होंने बताई है व्हेन द क्लेम इज इक्वल टू रिजर्व, यानी कि क्लेम जो है रिजर्व के बराबर है, यानी कि रिजर्व हमारा 10,000 रुपए का और 10,000 रुपए का ही हमारी क्लेम है, तब हमारी एंट्री रहेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। ये हम क्या करेंगे, ये पैसा हम क्लेम कर देंगे अपने वर्कमैन्स को, तो तब भी हमारी एंट्री क्या रहेगी, अमाउंट एंट्री की अमाउंट क्या रहेगी, सेम रहेगी 10,000 रुपीज। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट खुलेगा जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी क्लेम आ जाता है, यानी कि कोई भी जो हमारा इम्प्लॉई है वो इंजर्ड हो रहा है, तो हम उनको प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट से समअप करेंगे। नेक्स्ट आता है व्हेन द क्लेम इज लोअर देन रिजर्व। रिजर्व हमारे कितने के 10,000 रुपए के, क्लेम हमारा कितने का 2,000 रुपए का, तब हमारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहेगा, 2,000 रुपए तो हम क्लेम दे देंगे, रिमेनिंग जो 10,000 रुपए वो हम अपने पार्टनर्स को उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे, ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। तो एंट्री हमारी क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, और रिजर्व हमारा कितने का 10,000 रुपए का, क्लेम कितना देना है टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। आप क्लेम कितना दे दोगे, 2,000 रुपए क्लेम दे दोगे, रिमेनिंग जो बचता है आपका 8,000 रुपए, 8,000 रुपए क्या करोगे आप अपने पार्टनर्स में बांट लोगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो 8,000 रुपए जो है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाएंगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाएंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट है हमारा जब हमारा जो क्लेम है, क्लेम इज मोर देन रिजर्व। अब क्लेम कितना जा रहा है 12,000 रुपए का, रिजर्व हमारे कितने हैं 10,000 रुपए के, तब हमारी एंट्री रहेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। रिजर्व तो हमारे कितने के 10,000 रुपए के, अब 2,000 रुपए कहाँ से आएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। हम उनको क्या करेंगे, रीपे तो करना है ना हमारे को अपने इम्प्लॉइज को, तो हम 12,000 रुपए पे करेंगे, रिजर्व हमारे पास 10,000 रुपए का, तो रिमेनिंग पैसा हम उठाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट से, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। कितने की हमारे को कमी पड़ रही है 2,000 रुपए की, तो 2,000 रुपए हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट से उठाए टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट में पूरे 12,000 रुपए चले जाएंगे। इसके साथ नेक्स्ट एक एंट्री बनेगी, अब ये जो रिवैल्यूएशन से हमने पैसा उठाया वो पार्टनर्स कैपिटल में बटेगा, और ये हमारे लिए क्या एक्चुअल में लॉस है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 2,000 रुपीज। ये कुछ फोर टाइप्स ऑफ एंट्रीज है
हमारी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स की। नेक्स्ट है हमारे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स बनाए जाते हैं इन्वेस्टमेंट की फ्लक्चुएशंस को कवर करने के लिए। बुक वैल्यू होती है जिस रेट पे हमने इन्वेस्टमेंट की थी, और मार्केट वैल्यू है जो आज के टाइम पे हमारी इन्वेस्टमेंट का रेट चल रहा है, यानी कि किस रेट पे वो चल रही है। इन दोनों के डिफरेंस में अगर पॉजिटिव चेंज आता है तो हमारे लिए गेन होता है, और अगर नेगेटिव चेंज आता है यानी कि हमारी जो मार्केट वैल्यू वो गिर रही है और हमारी बुक वैल्यू है वो ज्यादा है, तो हमारे को अपने रिजर्व्स को यूज करना पड़ता है हम अपने लॉसेस को कवर करने के लिए। इसके कुछ टाइप्स हैं, कुछ कंडीशंस होती है इसमें, वो हम देखते हैं। सबसे पहले हमने ये अज्यूम कर लिया कि इन्वेस्टमेंट हमारे 1 लाख रुपीज की है, दो हमारे पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स इक्वल में ही हम मान लेते हैं, इक्वल रेशियो में है। सबसे पहला हमारे को जो दे रखे है कंडीशन वो है जब हमारी बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम है, यानी कि हमारी जो बुक वैल्यू थी वो 1 लाख रुपीज है और मार्केट वैल्यू भी क्या है हमारी 1 लाख रुपीज है हमारी इन्वेस्टमेंट की, और हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना रखा है 20,000 रुपीज का, तब हमारी एंट्री रहेगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पूरे 20,000 के 20,000 रुपए जो है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं आया तो रिजर्व्स यूज हुए ही नहीं है, और वो पार्टनर्स के प्रॉफिट का पार्ट है तो पार्टनर्स को वापस से बढ़ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट आता है हमारा जब हमारी मार्केट वैल्यू जो है वो कम है और जो हमारी बुक वैल्यू वो है ज्यादा है। बुक वैल्यू हमारी 1 लाख रुपीज है और मार्केट वैल्यू हमारी क्या 80,000 रुपीज चल रही है हमारी इन्वेस्टमेंट की, तो उस फ्लक्चुएशंस की एंट्री हम कैसे करेंगे। When fall in value, हम fall in value कितना आ रहा है 20,000 रुपए का fall आ रहा है, क्योंकि 1 लाख रुपए की investment है, 80,000 रुपए की market value चल रही है, वो जो fall है वो हमारा कम है और हमारे investment fluctuation reserves क्या है ज्यादा है। investment fluctuation reserve कितने का दे रखा है 3,000 रुपए का, 30,000 रुपए का, तो हमारी एंट्री कैसे जाएगी investment fluctuation reserve account debit to investment account to partners capital account। हमारे पास रिजर्व्स जो है वो कितने के 30,000 रुपए के, इन्वेस्टमेंट में जो चेंज आ रहा है वो कितने का आ रहा है 20,000 रुपए का चेंज आ रहा है, रिमेनिंग जो 10,000 बचेंगे वो हमारे जो पार्टनर्स है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की एग्जिस्टिंग रेशियो में हम उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नेक्स्ट बता रहे हैं फॉल इन द वैल्यू इज मोर देन द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, यानी कि इस टाइम जो फॉल आ रहा है, फॉल कितने का आ रहा है 20,000 का, और हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने के दे रखे हैं 15,000 के, 15,000 के रिजर्व्स हैं और फॉल आ रहा है हमारा 20,000 रुपए का, जो 5,000 रुपीज है वो हम कहां से कवर करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट से, तो एंट्री क्या जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स अकाउंट डेबिट रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में चेंज कितने का आ रहा है 20,000 रुपए का, 20,000 रुपए का यहाँ आ जाएगा, 15,000 रुपए का हमारे पास रिजर्व्स हैं और 5,000 रुपए हम कहाँ से कवर कर रहे हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट से। अभी रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो लॉस है वो बटेगा, तो दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और कितनी अमाउंट से जाएगी 5,000 रुपीज। नेक्स्ट हमारी एंट्री जो है फॉल इन द वैल्यू, जो वैल्यू में फॉल आ रहा है वो इक्वल है हमारे किसके इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के, फॉल कितने का आ रहा है 20,000 रुपए का और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का है 20,000 रुपए का, तो एंट्री क्या जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि जितने का हमने रिजर्व बनाया था वो तो हमारी इन्वेस्टमेंट की फ्लक्चुएशन ही कवर हो गया, तो एंट्री कितनी जाएगी 20,000 रुपए की, 20,000 रुपए की। नेक्स्ट इन्होंने बताया है जब हमारी मार्केट वैल्यू क्या है ज्यादा है और हमारी बुक वैल्यू क्या है कम है, बुक वैल्यू कितने की है 1 लाख रुपीज की, मार्केट वैल्यू कितनी चल रही है हमारी 1,20,000 की, ये मार्केट वैल्यू है, बुक वैल्यू नहीं है मार्केट वैल्यू है, और हमारी बुक वैल्यू जो है वो 1 लाख रुपीज की है, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है 20,000 का। जब हमारी मार्केट वैल्यू बढ़ गई तो रिजर्व्स जो है हम कहाँ यूज करते हैं, जब हमारा नेगेटिव चेंज आता है, यहाँ तो पॉजिटिव चेंज आ रहा है, बुक वैल्यू हमारी कम है और हमारी मार्केट वैल्यू ज्यादा है, तो उस सिचुएशन में हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स को एज इट इज बांट देंगे पार्टनर्स में, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पूरे के पूरे 20,000 के 20,000 जो है हमारे बट जाएंगे। अब नेक्स्ट ये बता रहे हैं इंक्रीज जो है हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में शो कर रहे हैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारे को नहीं दिया हुआ या हमने नहीं बनाया है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, जब हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नहीं बनाया होगा हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में शो कर देंगे। रीवैल्यूएशन में रीवैल्यूएशन अकाउंट जो होता है ये डेबिट साइड जो होती है वो होती है हमारी एक्सपेंस साइड, क्रेडिट साइड होती है हमारी इनकम साइड, तो जितना भी असेट में पॉजिटिव चेंज आएगा वो हमारे लिए क्या होगा गेन होगा, तो असेट जब भी बढ़ेगी वो कहाँ जाएगी क्रेडिट साइड आ जाएगी।
तो इस तरीके से यहाँ पे हमारी क्या आ जाएगी, इन्वेस्टमेंट हमारी यहाँ पे आ जाएगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो है हमारा क्रेडिट साइड आ जाएगा, और ये रिवेल्युएशन अकाउंट है, ये रिवेल्युएशन की क्रेडिट साइड है, तो एंट्री क्या बन जाएगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवेल्युएशन अकाउंट। और कितनी अमाउंट से चली जाएगी, हमारे पास कितने का चेंज आ रहा है, 20,000 रुपए का, 20,000 रुपए यहाँ जाएंगे, 20,000 रुपए यहाँ जाएंगे। अब ये जो रिवेल्युएशन अकाउंट में गेन हुआ है ये पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, एंट्री क्या आ जाएगी, रिवेल्युएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 20,000 20,000। ये कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज थी। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना, एंड थैंक यू।